महिला रेसलर्स की शिकायत पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज, कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुई है FIR। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 1 FIR पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई, जबकि दूसरी FIR छेड़छाड़ के मामले में दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब पीड़ित रेसलर्स के बयान करेगी दर्ज, इसके बाद बयान के आधार पर जुटाएगी सबूत। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 7 महिला अधिकारी करेंगी मामले की जांच, सभी अधिकारी 1 ACP को करेंगी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा विदेश और दूसरे राज्यों तक जा सकता है, जहां पीड़ित रेसलर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की शिकायत हुई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद जारी रहेगा पहलवानों का धरना, बजरंग पुनिया ने कहा जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे धरना जारी रहेगा। बजरंग पुनिया ने दिल्ली पुलिस पर जंतर मंतर की बिजली कटवाने का लगाया आरोप, कहा कि खाने का सामान भी नहीं आने दिया, लेकिन पुलिस कुछ भी कर ले लड़ाई रुकेगी नहीं। विनेश फोगाट ने भी ब्रजभूषण सिंह को पद से हटाने की मांग की, कहा वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कोर्ट और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर जताया भरोसा, कहा कि जांच में जहां भी मेरे सहयोग की जरूरत होगी मैं सहयोग करूंगा। पहलवानों ने खेल मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा, बजरंग पुनिया बोले हमारा फोन नहीं उठाया, 12 मिनट का भी समय नहीं दिया। रेसलर्स के प्रदर्शन के बीच खेल मंत्री का बयान, समिति में ज्यादा महिलाओं को रखा ताकि वो खुलकर अपनी बात रख सके। रेसलर्स के समर्थन में आए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, धरने में शामिल होने आज जाएंगे जंतर मंतर। केजरीवाल से पहले दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को पहुंचे जंतर मंतर, पहलवानों के धरने का समर्थन किया। आतिशी ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना, कहा अनुराग ठाकुर को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो कह रहे हैं कि ये लड़की अनुशासनहीन है। आतिशी को BJP सांसद मनोज तिवारी ने दिया जवाब, पूछा कि अनुराग ठाकुर ने एथलीट्स को कब कहा अनुशासनहीन, आपको सबूत देना होगा। कर्नाटक के चुनावी दंगल में आज से उतरेंगे पीएम मोदी, 3 बड़ी चुनावी जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे करेंगे बीदर जिले के हमुनाबाद में सभा, उसके बाद दोपहर 1 बजे विजयपुर में होगी दूसरी सभा। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे बेलगावी पहुंचेंगे, कुड़ाची में तीसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का बेंगलुरु में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो, शाम को 6 बजे सुमन हल्ली महाड़ी रोड में शुरू होगा रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में धुआंधार प्रचार, मदिकेरी बेंदूर और बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। अमित शाह आज दोपहर 2 बजे उडुपी के कड़प्पी में करेंगे पहली रैली, जबकि शाम को 4 बजे बेंदूर में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज गदग जिले में 1 जनसभा को करेंगे संबोधित, जबकि धारवाड़ के कलघटकी और दावड़ेकर के मायाकोंटा में करेंगे रोड शो। प्रियंका गांधी आज संभालेंगे कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान, धारवाड़ के कुदगुल में सुबह 11:30 बजे करेंगे रोड शो। प्रियंका गांधी धारवाड़ के नवलगुंद में दोपहर 2:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित, शाम 5 बजे उत्तर कन्नड़ा के हलियाल में करेंगे जनसभा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के जहरीले बोल पर BJP चुनाव आयोग पहुंची, कहा कि खड़गे के खिलाफ FIR दर्ज हो। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, गृह मंत्री शाह और CM योगी के खिलाफ शिकायत की। कांग्रेस की शिकायत पर गृह मंत्री का जवाब, बोले कि मैं FIR से नहीं डरता, PFI पर बैन लगाकर हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। BJP विधायक वासन गौड़ा यत्नाल ने सोनिया गांधी पर की अभद्र टिप्पणी, विषकन्या कहा। सोनिया को विषकन्या कहने पर भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले BJP लगातार ऐसी भाषा बोलती है और दूसरों को अच्छाई का पाठ पढ़ाती है। सोनिया गांधी पर टिप्पणी पर बोले अशोक गहलोत, कर्नाटक से BJP के जाने की शुरुआत हो गई। कांग्रेस नेता जी परमेश्वर को प्रचार के दौरान सिर में चोट लगी, भीड़ में से किसी ने पथराव किया। यूपी के निकाय चुनाव के लिए आज CM योगी करेंगे प्रचार, गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर देवरिया और वाराणसी में BJP उम्मीदवार के लिए करेंगे वोट की अपील। यूपी में निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, लखनऊ में देर रात पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से की शांति की अपील। अतीक हत्याकांड से सपा नेता आजम खान खौफ में, रामपुर में एक सभा के दौरान कहा रामपुर वालों क्या चाहते हो, कोई आए और कनपटी पर गोली चला दे। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बगावती रुख, संभल में नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी का विरोध किया, बोले कि पार्टी से नहीं डरता। पटना में लालू यादव से मिले CM नीतीश कुमार, राबड़ी आवास पर जाकर की मुलाकात। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट में आज सुनवाई, सूरत सेशंस कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। माफिया मुख्तार अंसारी और BSP सांसद अफजाल अंसारी की किस्मत का फैसला आज, गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर के MP अपील कोर्ट का आज फैसला आना है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर की जांच करेगी झांसी के नगर मजिस्ट्रेट अंकुश श्रीवास्तव, 1 हफ्ते के अंदर दर्ज होगा बयान। अशरफ के साले सद्दाम पर प्रयागराज जोन के ADG ने किया 1 लाख के नाम का ऐलान, बरेली जेल में अशरफ की शूटर से मुलाकात, मामले में सद्दाम की तलाश। सद्दाम पर बरेली जेल प्रशासन से मिलकर अशरफ को VIP सुविधा दिलाने का भी आरोप लगा, पुलिस के साथ STF भी कर रही है सद्दाम की तलाश। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर आज प्रयागराज CJM कोर्ट में सुनवाई, आयशा पर मेरठ में गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है। अतीक अशरफ हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, योगी सरकार से 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अतीक अशरफ को एम्बुलेंस में ही क्यों नहीं ले जाया गया, पैदल चलवाकर परेड क्यों कराई।
ग्रेटर नोएडा में 1 लाख का इनामी बदमाश मनोज आसे पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। मनोज पर अपहरण, रंगदारी और हत्या के कई केस दर्ज। घायल मनोज आसे को पुलिस ने अस्पताल भेजा। यूपी सरकार के चिन्हित नोएडा के 7 बड़े गैंगस्टर में एक है मनोज आसे। हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को सख्त निर्देश। सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ बयान देने वालों पर जिस भी धर्म का हो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों की पुलिस को निर्देश। हेट स्पीच मामले में शिकायत न होने पर खुद संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करें। भड़काऊ भाषण देने पर मुंबई में काजल हिंदुस्तानी पर FIR दर्ज। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में एक महिला की हत्या से हड़कंप। फ्लैट से महिला का शव बेड के बॉक्स के चादर में लिपटा हुआ बरामद। महिला की पहचान नाइजीरिया मूल के तौर पर हुई है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। रत्नागिरी की बारसू रिफाइनरी की जगह आंदोलनकारी गांव वाले जाने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज कर लोगों को भगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से फोन पर बात की। गांव वालों से बातचीत करके हल निकालने को कहा। कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में FIR। पुलिस का आरोप, रोक के बावजूद 22 अप्रैल को सड़क पर नमाज पढ़ी गई। कई लोगों ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने सड़क पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिले में धारा 144 लागू। फिलहाल CCTV के जरिए सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान की जा रही है। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका। जमानत याचिका खारिज। सिसोदिया ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत को लेकर दी थी याचिका। ईडी ने कहा पॉलिसी बनाने और लागू करने के मुख्य किरदार थे सिसोदिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ MP और छत्तीसगढ़ में शिकायत दर्ज हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्षेत्रों को लेकर दिया था बयान। अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 2 बंगले 8 फ्लैट सीएम हाउस में मिलाने का प्लान। 28 जुलाई 2021 को कैबिनेट में फैसला। ये विलासिता का चरम है, इससे नेताओं की इमेज खराब हो रही है। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर अटैक। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। नकली पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़। 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भोपाल के बड़खेरा रशदिया स्कूल। लाहिरी बहना योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। शिवराज सिंह चौहान का दिखा अलग अंदाज। लाभार्थियों के साथ वाद्य यंत्र बजाया, गाना भी गाया। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव के दूसरे भाग में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अभी तय नहीं, 22 जनवरी 2024 की बात अफवाह है। बिहार के बगहा में बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह आयोजित की गई। मेरा स्वाभिमान संस्था ने जवानों और किसानों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन। कबीरों ने फिजा में देशभक्ति का भरा रंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दिखा अलग अंदाज। लद्दाख में Y20 प्रतिनिधियों के साथ टेबल टेनिस खेलते नजर आए। पटना में तेज प्रताप यादव ने चलाई साइकिल, बोले पर्यावरण को बचाने की कोशिश है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल और 1 मई को बारिश और बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। पिछले 24 घंटे में 7533 नए केस आए सामने। 44 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 597 नए मामले दर्ज हुए हैं। 2 कोरोना पीड़ितों की जान गई है। मुंबई में भी धीमा हो रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 135 नए मामले आए सामने। कोरोना पीड़ित की मौत हुई। कोरोना का हल्का संक्रमण भी हार्ट को पहुंचा सकता है नुकसान। एक शोध से हुआ है खुलासा। यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क में एक बस पर मिसाइल अटैक। बस में सवार 7 नागरिकों की मौत। रूस ने जारी किया जलती हुई बस का वीडियो। यूक्रेनी सेना पर लगाया बस को टारगेट करने का आरोप। यूक्रेन के एयर डिफेंस फोर्स का दावा कि रीजन में 11 मिसाइल और 2 ड्रोन को मार गिराने में मिली बड़ी कामयाबी। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के ओमान में दागे 20 क्रूज मिसाइल, 2 ड्रोन में से की हमला। ओमान में एक रिहायशी अपार्टमेंट बना रूसी मिसाइल अटैक का शिकार। 3 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत। सूडान में गृह युद्ध के बीच राजधानी खार्तूम में बरसे बम सीजफायर के ऐलान के बाद भी कई शहरों में गोलीबारी। सूडान में मौजूद हजारों विदेशी नागरिक पलायन की कर रहे हैं कोशिश। पोर्ट सूडान पर लगी है हजारों लोगों की भीड़। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 2 हफ्ते की उछाल के बाद गिरावट दर्ज। 2 अरब 16 करोड़ डॉलर की आई है गिरावट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 584 अरब 24 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। RBI ने जारी की 21 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। मार्च 2023 में कोर सेक्टर के 8 इंडस्ट्रीज का उत्पादन 3.6% बढ़ा। सरकार ने जारी किया आंकड़े। SEBI ने LIC फ्रंट रनिंग केस में 5 इकाइयों पर लगाए प्रतिबंध। 2 करोड़ 44 लाख रुपए जब्त। IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टक्कर। ईडन गार्डन्स में दोपहर 3:30 बजे होगा मैच। दिल्ली में आज के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। शाम 7:30 बजे से दोनों टीमों की होगी भिड़ंत। मोहाली में कल खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने पंजाब किंग्स को दी शिकस्त। कई हाई स्कोरिंग मैच में 56 रनों से हराया। लखनऊ की टीम ने जीत के लिए 258 रनों का दिया था टारगेट। पंजाब की टीम 201 रन बनाकर हुई ऑल आउट।
स्टोइनिस को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। स्टोइनिस ने 40 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली, गेंदबाजी में भी लिया एक विकेट। आईपीएल में बेंगलुरु के फाफ डुप्लेसिस का ऑरेंज कैप पर कब्जा। डुप्लेसिस ने 8 मैचों में सबसे अधिक 422 रन बनाए। पर्पल कैप की रेस में मोहम्मद सिराज, राशिद खान और तुषार देशपांडे के बीच कांटे की टक्कर। तीनों के नाम 14-14 विकेट। बेहतर इकोनॉमिक के चलते सिराज के पास है पर्पल कैप। आईपीएल की अंक तालिका में 10 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स टॉप पर काबिज। 10 अंकों के साथ लखनऊ दूसरे और गुजरात की टीम तीसरे स्थान पर पहुंची। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली ने रचा इतिहास। टी20 में एक वेन्यू पर 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। कोहली ने चिन्नास्वामी में 3015 रन बनाए। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका ने आयरलैंड को एक पारी और 10 रनों से हराया। श्रीलंका ने पहली पारी में 702 रन बनाए। श्रीलंका के टॉप 4 बल्लेबाजों ने जमाया शतक। टेस्ट क्रिकेट में तीसरी बार बना रिकॉर्ड। सबसे पहले भारत ने बनाया रिकॉर्ड, फिर पाकिस्तान ने किया कारनामा। फिल्म आदि पुरुष के गाने जय श्री राम ने मचाई धूम। ऑडियंस ने गाने को दिया शानदार रिस्पॉन्स। रिलीज होते ही लोगों के दिलों में उतरा गाना। वडोदरा में जय श्री राम गाना गुनगुनाते दिखी भीड़। शेखर सुमन ने शादी की सालगिरह पर पत्नी को गिफ्ट की 2,40,00,000 की BMW कार। बेटे अध्ययन सुमन और कार के साथ फोटो की शेयर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।